ओम शांति। हम सभी को बाबा ने एक महान कार्य सौंपा है कि तुम्हें संसार में अशांत आत्माओं को शांति देनी है। हम अपने को पीस हाउस बनाएं, अपने अंदर शांति की शक्ति भर लें, ताकि हम आने वाले समय में और अब भी अनेक अशांत आत्माओं को शांति दे सकें। संसार में अशांति बढ़ती ही जा रही है। विकारों ने और पाप कर्मों ने संबंधों में कड़वाहट भरती है। बीमारियां उग्र रूप लेती जा रही हैं और संसार अशांति की चपेट में आता जा रहा है। आपके पास लोग आएंगे, आते होंगे। हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। हम पे दृष्टि डाल दो, अपने घर का पानी पिला दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। हम विचार करें, क्या हमारे अंदर इन सभी आत्माओं के लिए जो शांति की तलाश में हमारे पास आती हैं, शांति देने की शक्ति है, या अभी तक हमारा अपना मन ही शांति से भरपूर नहीं हुआ है। छोटी मोटी बातें हमें अशांत कर देती हैं, छोटी मोटी बातें हमें विचलित कर देती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बातें बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं। बातें बहुत छोटी हैं, हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। बातें बहुत छोटी हैं और शांति की शक्ति बहुत महान है। हम छोटी बातों के कारण अपनी शांति की शक्ति को नष्ट कैसे कर सकते हैं? तो चलिए एक सुंदर अभ्यास करते रहें हम कि बातों पर रिएक्ट ना करें। अशांत करने वाली बातें आएंगी, लेकिन हमें ये संकल्प कर लेना है, हमें शांति की शक्ति से इन अशांत करने वाली बातों को समाप्त कर देना है। हमें जरा भी इरिटेट भी नहीं होना है, क्रोध में भी नहीं आना है, क्योंकि क्रोध से हमारी बहुत समय से अर्जित की हुई शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। काम और क्रोध ये दो ही ऐसे महाशत्रु हैं जो मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। काम से पुण्य नष्ट होता है और क्रोध से नष्ट होता है मनुष्य का सद्विवेक। इसलिए दोनों को अपने महान शत्रु समझकर अपने चित्त को शुद्ध और शांत करने का दृढ़ संकल्प रख लेना चाहिए। चेक करेंगे कौन सी बातें हमारे मन को अशांत करती हैं। जब योग करते हैं तो क्या मन चारों ओर भटकता रहता है, उससे भी अशांति होती है। क्या किसी संबंधी की चिंता हमारे चित्त को अशांत कर रही है? क्या काम धंधे में किसी का बुरा व्यवहार हमें अशांति की अग्नि में धकेल रहा है? या कोई विकार, बहुत बड़ी चीज होती है काम, क्रोध, मोह, मैपन, लोभ, ये सब तो हमें अशांत नहीं कर रहे हैं। अब इनकी विदाई का समय आ गया है, हम इनमें न उलझें। स्वयं को शांत करना अपने हाथ में है। हम अच्छी तरह विचार करें, यदि हम चाहें तो हम अपने चित्त को विभिन्न परिस्थितियों में शांत भी रख सकते हैं, परंतु इसके लिए चाहिए हमारे पास ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ बल और योग की शक्ति, ताकि बातों को हम फटाफट उड़ा दें और बातों का प्रभाव हमारी शांति की शक्ति को हमसे छीन न ले जाए। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पीस हाउस हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा तो हूँ ही, परंतु मैं पीस हाउस हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति की किरणें फैलती हैं, जो इस संसार से अशांति के वाइब्रेशंस को नष्ट करती हैं। हमें याद रखना चाहिए, हमारी शांति की शक्ति बहुत प्रबल है, उसमें बहुत बड़ी अशांति को नष्ट करने की शक्ति है। और फिर परम धाम में बाबा को देखेंगे शांति के सागर के स्वरूप में।
और अनुभव करेंगे उनकी शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं, और ये शांति की किरणें मुझ में समा कर मुझ पीस हाउस से चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर देंगे सभी को शांति प्राप्त हो, सभी के अशांत चित्त शांत हो जाएं। ओम शांति।